नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 34 इयर्स है और ये पेशे से डॉक्टर है। ये सरकारी जॉब कर रहे, 24 साल के थे तभी इनको MBBS इनका हो गया था, अभी सरकारी जॉब है। इनके दो चार क्वेश्चन हैं और अभी ये स्पेशलाइजेशन जो कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन स्किन की स्पेशलिस्ट बनने की ओर ये आगे बढ़ रहे हैं। यानी इनके जीवन में सारा देरी से चलता है, इनका ये कहना है। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे कितने, एक लड़की है अभी। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका मैं जवाब नहीं देता, यानी मुझे उसके बारे में इतनी परफेक्शन नहीं है मेरे पास। हो सकता है किसी और इन वस्तुओं में ज्ञानी हो, तो मैं ये चीज़ का जवाब नहीं दे पाऊँगा। एक और सवाल है, अभी 60K आ रहा है यानी 60,000 ये कमा रहे और इनकी इच्छा है 5 लाख कमा पाऊँगा कि नहीं। 100% आपका जो पाम है इसमें इतना बड़ा मनी ट्रायंगल है, शुक्र वलय है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये 60,000 कैसे कमा पा रहे। हाँ, मैंने आपकी फेट लाइन को ज़रूर देखा है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। और हर फोटोग्राफ में अलग अलग प्रॉब्लम दिख रहा है, आपके बहुत सारे क्लोजअप है मेरे पास, पर हर क्लोजअप कोई अलग कहानी बता रहा है फेट लाइन की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, किसी न किसी के पास आईफोन होगा, आपके दोस्तों में या सगे संबंधियों में, उनसे आप फोटोग्राफ लेकर इस फेट लाइन का केवल मुझे इस पार्ट का क्लोजअप भेजना, केवल इतना। तो मैं आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता पाऊंगा फाइनेंस से रिलेटेड। पैसे अटके हैं 15 लाख रुपए, क्या वो आएंगे? अगर यहां पर गए होंगे इस पीरियड में तो ये पैसे वापस नहीं आते, ये नुकसान ही होता है जब फेट लाइन पर कट होता है या आपकी राहु रेखा पर कोई कट चल रहा है, तो ये पैसे डूब जाते हैं। हाँ, आ भी गए तो 30% के आसपास रिकवर होता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये नुकसान उठाने के लिए ही ये रेखाएं होती है, वो जीवन में तकलीफ देती है और फाइनेंशियल लॉस देती है। इनकी इच्छा है बड़ी सिटी में सेटलमेंट या बड़े टाउन में। यस, आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, तो लगभग वर्तमान समय में 2-4 सालों के अंदर आपके जीवन में कोई ना कोई पॉजिटिव स्थानांतरण क्लियर कट शो हो रहा है। तो कोई ना कोई, चाहे बड़ी सिटी हो या टाउन हो, वो शो नहीं करता, पर कोई ना कोई बदलाव आपकी जीवन में, वो भी पॉजिटिव बदलाव जरूर आने वाला है, क्योंकि ऐसी लाइनें जब शिफ्ट होती है तो कोई ना कोई कोई नया घर लेता है या कोई दूसरे शहर में चले जाता है या विदेश चले जाता है, इस तरह के भी चांसेस बनते हैं। और ये सारे पॉजिटिव होते हैं जब ये लाइन चलकर साइड से कोई दूसरी लाइन निकले, तब ये पॉजिटिव बदलाव होते हैं। तो आपके जीवन में ये चांसेस बने हुए हैं। लगभग आपके सवालों के जवाब मिल गए, एक संतान को छोड़कर और बाकी की जो फेट लाइन को समझना है उसके लिए आपको आईफोन का सहारा लेना होगा, क्योंकि ये पाम के अंदर भी मुझे सूजन दिख रही है आपकी फेट लाइन पर। और ये पाम 60,000 कमाने वाला नहीं, ये 5 लाख से भी ज़्यादा कमाने वाला पाम है ये। तो ये देखने की आवश्यकता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, और वो फेट लाइन पर ही दिख रहा है, कहीं पर और जगह पर भी देखने की कोशिश की, मुझे कहीं और दिख नहीं रहा है। अब ओवरऑल पाम एनालिसिस करते, यहाँ पर ये पाम कंप्लीट चौड़ाई लिए हुए, जब इस तरह का चौड़ाई लिए हुए पाम रहता है और यहाँ पर चौड़ाई कम रहती है, या तो व्यक्ति जॉब करता है या व्यक्ति अपने जीवन में किसी के साथ पार्टनरशिप करता है। अभी फिलहाल ये जॉब कर रहे, अगर ये स्पेशलिस्ट बनकर बाहर निकलेंगे तो भी हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप करें, ये इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड देखे तो अंगूठा फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है, जब फर्स्ट फैलेंज नुकीला होता है तो व्यक्ति कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा
एनर्जी लगाने वाला होता है उसे पूरा करता है। नेचुरल आप डॉक्टर बने हो तो ये स्वभाव तो एक बेसिक स्वभाव है, तभी व्यक्ति इस लेवल की डिग्री पा सकता है। सेकंड देखिए तो आपका जो सेकंड फैलेंज है वो इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। तो आप अपनी बातों को लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ किसी के सामने रख नहीं पाते होंगे। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है आपके जीवन का। व्यक्ति में जिद होती है पर अपनी जिद किसी को समझा नहीं पाएगा तो कम सफलता प्राप्त करता है व्यक्ति जीवन में। यहाँ पर कोन बना हुआ है तो ऐसे लोग फास्ट होते हैं, इनकी टाइमिंग अच्छी होती है। अब इनके टाइमिंग का भी सब्जेक्ट है। अब ये जो टाइमिंग है वो शारीरिक टाइमिंग की बात कर रहा हूँ मैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये भी हिम्मती स्वभाव दिखाता है। व्यक्ति के जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं, इतने हिम्मती स्वभाव के होते हैं। और उंगलियां छोटी है तो व्यक्ति बहुत फास्ट निर्णय लेने वाला होता है और उनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है। और आपके फैलेंज सारे बड़े हैं तो फास्ट निर्णय लेकर भी आप एनालिटिकल होंगे, ये रेयर साइन है। या तो आपकी उंगलियां बड़ी होगी और फैलेंज बड़े होंगे, या उंगलियां छोटी होती है सॉरी और फैलेंज छोटे होते हैं, पर यहां पर दोनों चीजें मिली है, उंगलियां छोटी है और प्लस फैलेंज भी बड़े हैं। तो एनालिटिक पर्सनालिटी के साथ साथ आप फास्ट निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व भी शो हो रहा है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। बुध पर्वत पर देखें तो ये इतनी लाइनें अगर किसी के हाथ में दिख जाए तो आंख मुन के कह दो व्यक्ति 100% अमीर बनेगा। ये हीलिंग पावर भी देती है, सुंदरता भी देती है, वाणी भी अच्छी देती है, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। पर आपका बुध पर्वत उस तरह का फैला हुआ नहीं है। खैर आप प्रोफेशनल हो तो आपके माउंट ऑलवेज दबे हुए ही मिलेंगे, क्योंकि डॉक्टर, सीए, इनके प्रोफेशनल बिजनेस हो गए, प्रोफेशनल सब्जेक्ट हो गया। तो प्रोफेशनल व्यक्ति हमेशा एक बुद्धिजीवी टाइप का व्यक्तित्व होता है तो उनके माउंट ऑलवेज आपको सटल दिखेंगे। तो आपके भी उसी तरह के माउंट है। और एक लाइन ये इस तरह से हृदय रेखा से निकलती है, ये हृदय रेखा से निकलने वाली लाइन हमेशा शो करती है व्यक्ति साइंस या टेक्नोलॉजी से पैसा कमाता है। और बुध पर्वत पर अच्छी लाइन है, आप बातों से भी सामने वाले को हिल कर सकते हो, इतनी कैपेसिटी आपको ईश्वर ने दी हुई है। सूर्य पर्वत पर देखें तो सबसे पहले ध्यान जाता है इस शुक्र वलय पर। जब किसी के हाथ में शुक्र वलय हो तो व्यक्ति जैसे जन्म लेता, अगर जन्म के समय है तो व्यक्ति जन्म लेता है और परिवार संपन्न बनता है और ये जीवन भर साथ देता है पैसे के मामले में। और आपने जब ये रेखा है और आपकी उम्र 34 ईयर्स है और आपने 60K शब्द यूज़ किया, यानी 60,000 कमा रहा हूँ, तो ये एक शंका का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये लाइन बहुत ज़्यादा पैसा देती है। जहाँ आम इंसान 1,000 कमाता वहाँ पर आप लोग लाखों, और आपका जिस तरह का हाथ है आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पर देखे तो ट्रायंगल बने हुए, तो ये भी प्लस पॉइंट है, ये भी अमीरता देता है व्यक्ति को, पैसे वाला बनाता है और मन की सारी इच्छाएं व्यक्ति की पूरी होती है, तो ये प्लस पॉइंट है। मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी आपके हाथ में बनी हुई है, ये सेकंड प्लस पॉइंट है। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी हुई है, जब विद्या रेखा होती है तो व्यक्ति बेसिक नॉलेज अच्छा खासा रहता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। अब इनका व्यवसाय ही ऐसा है कि दिन में सैकड़ों लोग इनको पूछ पूछ कर दवाइयाँ लेते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसका एडवांटेज आपको मिलते रहेगा। पर साइड में एक छोटी सी रेखा और है तो व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड भी रहता है, ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है। अब सन माउंट पर वापस आते, यहाँ पर आपके
सूर्य रेखा बनी है। जब इस तरह की रेखा एंड में होती है तो शुरुआती समय जो रहता है वो स्ट्रगल वाला रहता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति सेटल हो जाता है, यश भी प्राप्त होता है, और एक 56 की एज आएगी तब कंफर्टेबल इनकम आपके जीवन में आएगी। शनि पर्वत देखे तो एकदम फ्लैट है। आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। एक रेखा ये है, एक रेखा यहाँ पर हृदय रेखा से निकल रही है। ये चार तरह के बेनिफिट दिखाती है। सरकारी लाभ जो आपको मिल चुका है, पॉलिटिकल लाभ भी मिलता है व्यक्ति को अगर ये रेखा होती है। थर्ड, ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथा एडवांटेज मिलता है, व्यक्ति हाई पोस्ट पर पहुंचता है, चाहे वो अपनी तरह से पहुंचो या किसी फर्म में काम करता हो तो हाई पोस्ट पर पहुंचो, उस तरफ इशारा जाता है। तो चार में से कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलते हैं, किसी को तीन, किसी को दो, किसी को एक। और यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर दिख रहा है और सेकेंड स्क्वायर भी दिख रहा है। अगर ये स्क्वायर कंप्लीट है आपके हाथ में, मेरे हिसाब से ये कंप्लीट है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का अच्छा खासा लाभ आपके हाथ में दिख रहा है। अब आपका गुरु पर्वत कंप्लीट दबा हुआ है। आप करोड़ों रुपए कमा लोगे तो भी आपका स्टेटस कभी नहीं बनेगा, क्योंकि गुरु पर्वत से स्टेटस बनता है। ये एक माइनस पॉइंट आपके हाथ में है और परिवार से दूर रहना पड़ता है। सेकेंड चीज होती है परिवार से दूर। ये तो हो गया माइनस पॉइंट। अब चलते प्लस पॉइंट पर। यहाँ पर एक ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है, एक ट्रायंगल मुझे आपके हाथ पर इस पार्ट में भी दिख रहा है, जो क्लोजअप में मैंने देखने की कोशिश की थी, यहाँ पर भी। तो जब किसी के हाथ में ट्रायंगल हो, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सरकारी लाभ जो आपको मिल रहा है या पॉलिटिकल लाभ, ये दो में से अगर लाभ कोई व्यक्ति कमा भी ना पाए तो भी व्यक्ति इस ट्रायंगल के भरोसे पर बहुत अच्छी जगह पर पहुंचता है, संपन्न बनता है, स्टेटस वाला बनता है। तो एक तरफ तो आपका गुरु पर्वत दबा हुआ है, तो आपको पोस्ट मिलेगी, आपको हाई पोस्ट मिलेगी, हाई जगह मिलेगी, पर जो दबदबा कहते हैं वो आपको मिलने में हमेशा तकलीफ आएगी, क्योंकि जुपिटर माउंट वैसा नहीं है जो एक इमेज खड़ी करे। और यहाँ पर एक सीधी रेखा गुरु वलय बना हुआ है। इस तरह का गुरु वलय जब होता है तो व्यक्ति को चार तरह के बेनिफिट मिलते हैं, तीन ही मिलते हैं, डबल बनी हो तो यहाँ पर डबल भी है। व्यक्ति को मल्टीपल इनकम होती है जीवन में, जो आपकी पत्नी भी कल उठकर इनकम कर सकती है, या कोई और इनकम के द्वारा आपके जीवन में आए इनकम। तो एक तो मल्टीपल इनकम, सेकेंड धार्मिकता देती है, थर्ड यानी स्पिरिचुअल, पढ़े लिखों की भाषा में उसे स्पिरिचुअल शब्द यूज़ कर सकते हैं, तीसरा आप पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट जाता है। तो इतने सारे लाभ इन रेखाओं से मिलते हैं और मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। और कंटिन्यू चलने वाली रेखा भी है, तो ये भी प्लस पॉइंट है, व्यक्ति कंटिन्यू प्रोग्रेस करता है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शरीर की एनर्जी आपके पास अच्छी खासी होगी। और इस तरह का मंगल, आप पढ़े लिखे हो फिर भी मैं कहूँगा, बचपन में और जवानी में अपशब्द बोलने की आदत होगी जरूर आप में, क्योंकि मंगल अगर किसी का अच्छा है अंदरूनी मंगल, तो ये माइनस पॉइंट तो उसको मिलता ही है। पर शरीर की एनर्जी एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है व्यक्ति के जीवन में, तो ये भी बड़ा एडवांटेज है। और आपका भारी मंगल भी अच्छा है, जब भी आप पैसे कमाओ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा। प्लस साहसी होते ये लोग, संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करते, इतने सारे एडवांटेज इस मंगल से मिलते। अब चंद्र पर्वत भी आपका काफ़ी सुंदर है, आप चाहो तो कभी भी
विदेश में भी जा सकते हो, इतना अच्छा चंद्र पर्वत है। आपका कभी ना कभी विदेश से संबंध आएगा जीवन में। सेकंड, परचेसिंग पावर बहुत पावरफुल होता है, वैल्यू फॉर मनी परचेस करते हो, जो थिंकिंग होती है वो एकदम पॉजिटिव होती है, जिनके चंद्र अच्छे होते हैं। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं इनको अच्छी लगती है, इतना सारा एडवांटेज चंद्र पर्वत से मिलता है। और यहाँ पर चलने वाली रेखाएं भी है, ये यात्रा रेखाएं भी है, और आप सेटल होना चाहो तो सेटल भी हो पाओगे। एक रेखा ऐसी है जो आपको खालीपन दे रही है, इस रेखा का मतलब है एडिक्शन लाइन। एक दो घंटा काम करने के बाद एक खालीपन लगता है, उस खालीपन को भरने के लिए कोई कामुकता का सहारा लेता है, कोई धर्म का सहारा लेता है, कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, किसी न किसी तरह उस खालीपन को भरने का सहारा लेता है। तो ये लाइन है आपके हाथ में, और सबसे बड़ा एडवांटेज आपके हाथ में है वो ये मनी ट्रायंगल। जब किसी के हाथ में इतना मनी ट्रायंगल बड़ा हो तो 100% ह्यूज लेवल की वेल्थ क्रिएट करता है। और यही मनी ट्रायंगल और ये शुक्र वलय देखकर मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है कि आपके जीवन में 60,000 की इनकम है और 34 साल के हो गए हो आप, तो कहीं ना कहीं फेट लाइन में ही डिस्टर्बेंस है। ये मनी ट्रायंगल आपको जीवन भर संपन्न रखेगा और अच्छी खासी इनकम आप जनरेट करोगे। जो 5K सोच रहे हो सकता है आपके फेट लाइन में वर्तमान समय में कोई प्रॉब्लम हो, पर ये जब भी सॉल्व हो जाएगी आप ह्यूज लेवल की वेल्थ अपने जीवन में क्रिएट करोगे, ह्यूज लेवल की। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके हाथ में। अब चलते हैं शुक्र पर्वत की ओर। शुक्र पर्वत जब इस तरह का होता है तो व्यक्ति में कामुक भावना रहती है, पैसा कमाने में उत्साह रहता है, कपड़े अच्छे पहनता है, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, पैसा भी खूब कमाता है, पैसा खर्च भी खूब करता है। इतने सारे एडवांटेज आपको मिलते। अब जुपिटर माउंट उसके सामने कमजोर है, ये हो गया ट्रैक्टर का टायर और ये हो गया बच्चे की साइकिल से भी छोटा टायर, इतना जुपिटर माउंट दबा हुआ है। अगर इस दोनों को बैलेंस करें तो भी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा पैसा आता है, और ये उपाय कई लोगों को किया है और कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। और शुक्र पर्वत पर बहुत सारी खड़ी आड़ी लाइन है, ये सारी लग्जरियस लाइन है, और कहीं पर भी कोई माइनस पॉइंट शुक्र पर्वत पर भी नहीं है। अब चलते हैं आपकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा को देखें तो यहाँ से शुरुआत हो रही है और उसमें से शाखाएं निकलकर मंगल की ओर जा रही है। ये व्यक्ति को गुस्से वाला स्वभाव देती है, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। पर इसकी हृदय रेखा की शुरुआत देखे तो बहुत बार ऐसा लग रहा है यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से ही शुरुआत हो रही है, जिसको हमने जो चार फायदे की रेखा बोली उसके बदले ये शुरुआत हो रही है यहाँ से। तो व्यक्ति प्रेमी किस्म का आदमी रहता है और ये जब रेखाएं निकलती है तो ये एक्सपेक्टेशन भी बढ़ाती है और साथ में गुस्सा भी दिलाती है। तो डबल माइंड चलता है, यानी गुस्सा हमेशा जीवन में रहता है और एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहती है। पर ये लाइन जिस तरह से घूम रही है, ये आप लोग सेवाभावी इंसान यानी प्रेमी स्वभाव के होते हो, प्यार का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है जवानी के समय में। सेकंड, दुश्मनी क्या होती है आपको पता ही नहीं होता और आसपास के लोगों से बहुत अच्छे संबंध होते जब इस तरह की हृदय रेखा होती है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके हाथ में, बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान होते हैं जब हृदय रेखा इस तरह की होती है। पर जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा सा बोझा बढ़ते जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बोझा बढ़ेगा, और उसमें से एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, जब इस तरह की लाइनें निकलती है ये सेवाभावी स्वभाव दिखाती है। मित्रों को या सगे संबंधियों को आप पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथली चलकर। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक है तो ये उम्र होगी लगभग 68 के आसपास या 65 के आसपास,
आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपको थोड़ा सा विचलित करेगी, और उसके बाद ये सीधी चलकर आगे चल रही है। और यहाँ फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। सेम आपकी माइंड लाइन भी काफ़ी सुंदर है, थोड़ी सी अंदरूनी मंगल से शुरुआत हो रही है तो प्लान ज़्यादा बनाता है, और यहाँ पर ऊपर भी जा रही है, ऊपर भी देख रही है। तो एक तो गुरु से टच हो गई तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहता है, और यहाँ पर टच हो गई अंदरूनी मंगल में तो प्लानिंग बहुत बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते इम्प्लीमेंट नहीं होते। और माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी होती तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा आने पर गुस्सा आ जाता है। और कोई भी माइंड लाइन जब बुद्ध पर्वत की ओर देखती है तो ये भी पैसा ज़्यादा कमाने की निशानी है। कोई ना कोई ऐसा रूप होता है, उनके पास कोई ना कोई कला होती है जिसके कारण पैसा अपने आप जीवन में आता है। और सेकेंड एडवांटेज है आपके हाथ में, यहाँ से डबल माइंड लाइन शुरू हो रही है, और ये पीरियड होगी, ये वर्तमान समय में ही है। ये वर्तमान समय में ही उम्र 34 के आसपास ही ये डबल माइंड लाइन शुरू हो रही है, और जब भी डबल माइंड लाइन शुरू होती है व्यक्ति के जीवन में विकास भी अच्छा खासा होता है। ये भी पैसा देती है, और एक साथ पांच पांच काम कर सकता आदमी, टीवी भी देख लेगा, मोबाइल पर चैट भी कर लेगा, किसी ने कोई पूछा तो जवाब भी दे देगा, मल्टीटास्किंग व्यक्ति बनता है जब डबल माइंड लाइन होती है। तो ये आपको एडवांटेज, और ये ग्रोथ भी देती है जीवन में, और ये वर्तमान समय में ही ऑपरेट होते हुए दिख रही है। अब आपकी जीवन रेखा पर, जीवन रेखा पर देखें तो एक 34 के आसपास आपके जीवन में एक कट है, और 34 या 33 के आसपास उसके सामने फेट लाइन पर भी है, तो ये राहु रेखा ने काटा है। इसी पीरियड में आपके 15 लाख रुपए कहीं ना कहीं अटके होंगे, क्योंकि राहु रेखा और फेट लाइन पर जब कट होता है तो व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस जाता ही है। तो चांसेस नील बटा नील है, अगर आ भी गए तो 30-30% आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड चीज देखे तो एक राहु रेखा आपको 37 के आसपास काट रही है, और इसी पीरियड में के आसपास आपके जीवन में परिवर्तन रेखा है, जो जीवन रेखा अलग से चल रही है। तो आपने जो सवाल पूछा था, टाउन या बड़े टाउन में या सिटी में, तो कोई ना कोई स्थानांतरण आपके जीवन में यहाँ पर शो हो रहा है। सेकंड, डबल जीवन रेखा चलती है, जिस व्यक्ति के हाथ में डबल जीवन रेखा चलती है उसको डबल जिम्मेदारियाँ उठाते देखा गया है। कोई ना कोई परिवार की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी या किसी न किसी व्यक्ति की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी व्यक्ति अपने जीवन में उठाता है, और यहाँ से परिवर्तन होकर ये सीधी चलकर, ऐसे चलकर ये पूरी घुमाव ले रही है। घुमाव लेती है तो ये पारिवारिक सोच वाला व्यक्ति भी बनता है, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से टच में रहता है, ये भी एक खासियत होती है इनकी। कहीं बाहर भी गए तो 5-10 फोन करेंगे। सेकेंड चीज देखे तो यहाँ पर एक तरह का फिश शाइन का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे लोगों के बच्चे बड़े होकर पढ़ाई करने विदेश में जाते और इनका आना जाना विदेश में होता है, और आप भी ट्राई करोगे तो आपका चंद्र पर्वत काफ़ी बड़ा है, आप बहुत आसानी से विदेश में जा पाओगे, बहुत आसानी से। अब आपकी राहु रेखा देखे तो 37, ये 33, 34, 37, फिर 41, 48, 52, 61 और 66, इतनी राहु रेखाएं आपको डिस्टर्ब करेगी। और इसी पीरियड में यहाँ पर ऑफशूट भी दिख रहे, ये ऑफशूट भी आपको सफलता दिलाएंगे। 3-4 ऑफशूट भी आया आपके जीवन में, ये आपको सफलता भी दिलाएंगे। तो इस तरह का, और जीवन रेखा काफ़ी पतली है तो शरीर का ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, ये खाने से इतना एनर्जी, कैल्शियम, आयरन,
इस तरह से कैलकुलेट करके खाने वाले लोग होते, शरीर के प्रति ध्यान देने वाले, ये खाने से सर्दी होती, ये खाने से बुखार आता है, ये इन शॉर्ट शरीर का ध्यान रखने वाले लोग होते जब इस तरह की पतली जीवन रेखा होती है। तो आपको यहाँ से लगभग ऑफशूट चल रहे उम्र 40 के आसपास से आपको ऑफशूट काफ़ी मिल रहे, तो यहाँ से प्रोग्रेस भी आपके जीवन में दिख रहा है। पर फिर भी मैं कहूँगा 34 में भी आपने 60,000 की जो इनकम बताई वो मुझे मेरे ज्ञान के अनुसार मुझे हजम नहीं हो रही, यानी मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। हो ना हो आपकी फेट लाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। अब फेट लाइन पर आते हैं आपके क्लोजअप की ओर, और हर क्लोजअप आपका अलग भाषा कह रहा है। ये आपका क्लोजअप। अब यहाँ पर अगर ये रेडिश हो तो भी व्यक्ति ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता। ये आईफोन से आप भेजोगे तो ये क्लियरफाई हो जाएगा कि ये क्या प्रॉब्लम है आपके जीवन में, कि आपको इनकम जनरेट में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। क्योंकि आपके हर फोटोग्राफ एक अलग भाषा कह रहे हैं, जितने भी क्लोजअप है, किसी में यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है, किसी में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है। और यहाँ पर देखे तो एक कट लगा, ये पीरियड में आपको कोई ना कोई नुकसान गया होगा 33 के आसपास। एक लाइन निकलकर बुध पर्वत की ओर जा रही है तो उम्र 37 के आसपास आपका कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा जो आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, यानी वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पैसे के रूप में आपको उसका रिटर्न मिलेगा। एक रेखा हृदय रेखा से निकल रही है, अगर ये बाहर से निकलती होगी तो उम्र 44 के आसपास कोई आर्थिक कष्ट जाएगा, और अगर हृदय रेखा से निकलती होगी तो आपको कोई ना कोई परिवार के लिए खर्च होगा या कोई इन्वेस्टमेंट होगा। ये 99% बाहर से निकलते हुए दिख रही है। उसके बाद सीधी चली और ये परिवार का इन्वेस्टमेंट दिखा रही है 52 के आसपास, और ये चलकर सीधी स्टॉप हो रही है। अब ये हृदय रेखा यहाँ पर क्लोजअप में क्लियर कट समझ में आ रहा है, ये आपकी फेट लाइन गुरु पर्वत की ओर जा रही है, और आपकी हृदय रेखा कंप्लीट निकलकर इस तरह से मंगल की ओर जा रही है। तो दो चीज़ें हैं, जब मंगल की ओर जाती है तो थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ाती है, और गुरु तक टच हो जाती है तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है और सिस्टम से चलने वाला होता है। तो परिवार में इस तरह से सिस्टम वाले परिवार के लोग पेन नहीं होते तो पेन उठाते, पर कमर्शली यही लाइन आपको सफलता भी दिलाती है, ये भी एक एडवांटेज होता है। तो इस तरह की हृदय रेखा है आपकी, तो नॉन स्टॉप आपके जीवन में इनकम होती रहेगी। और ये जो स्क्वायर है ये कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, तो कोई ना कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद का भारी लाभ होते हुए आपको जीवन में दिख रहा है, और मल्टीपल इनकम की लाइनें जनरेट हो ही रही है। ये क्लियर कट पोजीशन आपके हाथ की दिख रही है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।